इंदौर के विधानसभा तीन में शत प्रतिशत वैक्सीनेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जहां क्षेत्र को कोरोना मुक्त करने के लिए विधायक द्वारा लकी ड्रॉ खोलकर लाखों के पुरस्कार बांटे जाएंगे। साथ ही विधायक आकाश विजयवर्गीय पुरानी यादें ताजा कर बल्ले बांटेंगे। वहीं कार्यक्रम के दौरान भीड़ से कोविड के नियमों का उल्लंघन भी हुआ। विधानसभा तीन को कोरोना मुक्त करने का अभियान चलाया जा रहा है। क्षेत्र में शत प्रतिशत वैक्सीनेशन करने के लिए सेंटर को पुरस्कृत करने की योजना तैयार की है। इसके लिए 1100 पुरस्कार दिए जाएंगे। अभी क्षेत्र में 40 के लगभग सेंटर पर टीका लगाया जा रहा है, जिसमें से 7 सरकारी, बाकी सेंटर पर बीजेपी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। पुरस्कार में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सहित विधायक बल्ले भी बांटने वाले हैं। देखिए, हम लोग चाहते हैं कि हमारी विधानसभा तीन और पूरा इंदौर कोरोना मुक्त हो, और इसके लिए 2 कदम हम लोगों ने उठाना है, ये तय किए हैं। एक तो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर सभी लोग फॉलो करें, और दूसरा 100% वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन को बढ़ावा मिले, इसके लिए हम लोगों ने आज एक नवाचार किया है, एक लकी ड्रॉ सिस्टम। लगभग 40 सेंटर्स हमारी विधानसभा में हैं, उसमें से 7 सरकारी हैं, उन्हें हटा दें तो जो संस्थाओं द्वारा या हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा संचालित हैं, उन सेंटर्स पे हम लोग लकी ड्रॉ का आयोजन करेंगे। उस लकी ड्रॉ के माध्यम से जो भी पहले पाँच विजेता आएंगे, उन्हें 50,000 की ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन्स, फिर बैट बॉल के 50 सेट हम लोगों ने तैयार किए, 50 मास्क के 50 सेट, 5-5 बैग्स के 50 सेट, इस प्रकार से, और कोरोना सुरक्षा किट 800। तो इस प्रकार से लगभग 1100 पुरस्कार हम लोगों ने बनाए हैं, जो लकी ड्रॉ के 1100 विनर्स को दिया जाएगा। ये कंपटीशन लगभग 15 दिन से 1 महीने, जैसे भी रिस्पांस आता है उसके अनुसार चलेगी। इसका प्रचार प्रसार हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से और क्षेत्र में ऑटोज रन करके करेंगे। हमारे कार्यकर्ता अब वार्डों में बैठक लेंगे, एक पर्चा भी हम लोग इसका बना रहे हैं, और वो घर घर जाकर के, हर बूथ अध्यक्ष घर घर जाकर के ये चेक करेगा कि उस घर में यदि 18 प्लस से ऊपर का कोई है तो उसे वैक्सीन लगा है कि नहीं, और जो भी बूथ सबसे पहले 100% वैक्सीनेट होगा उसका हम माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से सम्मान कराएंगे।